রাজনৈতিক আক্রমণের নিন্দা জানালেন ত্রিপুরা মাথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা। এনসি দেববর্মাকে কালো পতাকা দেখানো এবং কর্মসূচি বানচালের ঘটনায় যুক্তদের দল থেকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিলেন প্রদ্যোৎ। বুধবার নিজ বিধানসভা এলাকায় গিয়ে আক্রমণের মুখে পড়েন রাজস্ব মন্ত্রী তথা আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা। অভিযোগ, তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হয়। অভিযোগ, ত্রিপুরা মাথার লোকজন ঘটনার পেছনে দায়ী। ঘটনার পর রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন ত্রিপুরা মাথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি এই ধরনের ঘটনা সমর্থন করেন না। দলীয় কর্মী সমর্থকদের কড়া বার্তা দিয়ে নির্দেশ দেন যারাই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের সাসপেন্ড করার। পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক আক্রমণের নিন্দা জানান। তার কথায় উঠে আসে বর্তমান বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের সময় বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁর নিজের ওপর আক্রমণের ঘটনাগুলো। প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা বলেন, সেসব ঘটনায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, এখন গুন্ডাগিরি নয়, সবাই এক হয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কাল मुझे शायद 2 बजे मेवा कुमार जमातिया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एनसी बाबू टागर जला में जम्पू जला में कोई प्रोग्राम कर रहा है और उनके उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है और उनके ऊपर अटैक हो रहा है। उस समय मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है और मैंने इमीडिएटली अपने जम्पू जला के जो भी लीडर्स हैं उनको बोला जाके फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद मैंने खुद 3 बार फ़ोन किया और सिचुएशन को डिफ्यूज़ कराया। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग टिपरा सा होकर अपने ही सीनियर्स को बेइज्जत करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, ये टॉलरेट नहीं होगा। मैंने पहले भी 2 बार वार्निंग दिया था। आज मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि मैंने कह दिया है कि जिसने भी काला झंडा या स्लोगन उठाया, डिस्ट्रप्ट करने का कोशिश किया प्रोग्राम ऑफ एनसी देववर्मा, उनको मैं त्रिपुरा मथा से सस्पेंड कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर्स दे दिया है, इन लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाएगा और इनका इनको त्रिपुरा मथा में पोजीशन नहीं दिया जाएगा। ये मैंने डिसीजन ले लिया है एंड दे विल बी सस्पेंडेड राइट अवे। ये मैसेज मैंने वहाँ के सीनियर लीडर को भी बोल दिया है कन्वे करने के लिए और जो लोग हैं उनका एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। मैंने देखा है कि ये बहुत ख़राब कल्चर है। जब मैं मिर्ज़ा कथलिया गया था तो उस टाइम आईपीएफटी के लोग ने मुझे काला झंडा दिखाया। जब पीयूष विश्वास कहीं गए थे उसके ऊपर अटैक हुआ। जब मानिक सरकार कहीं गया था तो मानिक सरकार के ऊपर अटैक हुआ। ये जो जितेंद्र चौधरी, जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था जितेंद्र चौधरी के ऊपर ओमपी में अटैक हुआ, मेरे ऊपर फिर से मोहनपुर में अटैक हुआ। ये जो पॉलिटिकल अटैक्स होता है, ये काला झंडा का पॉलिटिक्स, ये मैं इससे एकदम एग्री नहीं करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू नाउ। क्योंकि मैंने देखा कि जब जितेंद्र चौधरी के ऊपर अटैक हुआ, आईपीएफटी के लोग ने अटैक किया तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ मोहनपुर में एसडीएम के वहाँ में, तो जो लोग ने ये गुंडागर्दी किया उसको कुछ एक्शन पार्टी ने नहीं लिया। जब पीयूष विश्वास के ऊपर अटैक हुआ तो किसी ने अटैक नहीं किया लिया, सस्पेंड किसी को नहीं किया। त्रिपुरा मथा को मैंने पहले से, जो 2-3 लोग जो नए नए आए हैं जो ट्रबल कर रहे, मैंने वार्निंग दिया था और कल क्योंकि जो हुआ है ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि एनसी देववर्मा भी तिपरासा है, मैं भी तिपरासा हूँ और ये काला झंडा दिखाकर ये जो गंदा राजनीति हमने शुरू किया इसको बंद करने के लिए सबसे पहला कदम बुबाकरा को ही निकालना पड़ेगा। प्योर रिपोर्ट, चैनल दिन रात।